हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ स्वेट प्रूफ मेकअप शेयर करने वाली हूँ। गर्मियां आ नहीं रही, गर्मियां आ चुकी हैं, लॉन के सूट वूट निकल आए हैं और इतनी शदीद किस्म की गर्मी हो रही है। तो आप लोगों को अगर इन्हीं गर्मियों में किसी इवेंट पे जाना है, शादियां भी लोग रखते हैं गर्मियों के अंदर, इसके अलावा अगर आप रोज यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स स्किप कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आपने गर्मियों में बाहर निकलना है और आपको पता है कि आपको पसीना आना है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अपनी फाउंडेशन, अगर आप रेगुलर बेसिस पे फाउंडेशन लगाते हैं, तो किस तरह से आप अपनी फाउंडेशन को स्वेट प्रूफ बना सकते हैं। जल्दी से चलते हैं, बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया है, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। यारो, एक बात को ना पल्ले बांध लो कि मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को प्रेप आपने जरूर करना है। आपकी स्किन प्रिपेयर नहीं है मेकअप के लिए और आप उसके ऊपर फाउंडेशन थोपी जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली। सबसे पहले आपने यूज करना है कोई सा भी सीरम, फेस को वॉश कर लें, उसके ऊपर आप सीरम अप्लाई करें। मैं ये यूज करूंगी एमके कॉस्मेटिक्स का ब्राइटनिंग सीरम, इसकी एक बॉटल मैं खत्म कर चुकी हूँ, दूसरी अभी भी मैंने निकाली है। बेहतरीन किस्म का सीरम है। सूखी फूकी स्किन के ऊपर आपने सीरम नहीं लगाना, कोई भी रोज वाटर स्प्रे कर लें, पानी स्प्रे कर लो यार, हल्की सी स्किन ना डैम्प होनी चाहिए आपकी, ठीक है। स्किन को हल्का सा गीला कर लिया और अब इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है अपना सीरम। ये सीरम इस तरह से आपने लिया, इसके आपने लेने हैं जी 2 ड्रॉप्स अपने फेस के लिए और अपनी नेक के लिए, 2 ड्रॉप्स इनफ है। इस सीरम के आप कोई ऑयल बेस्ड सीरम लगा रहे हैं तो एक लगा लें फाउंडेशन से पहले, और इसको आपने स्किन के अंदर इस तरह से प्रेस करना है। ऊपर वाली लेयर पर रब नहीं करना, आपने इसको स्किन के अंदर करना है प्रेस। ये यहाँ पे आके मुझे मच्छर ने काटा है, इतना मच्छर काटता है, ये देखें, ये 2, ये एक, मच्छरों मच्छरी हो गई हूँ मैं तो। सेकेंडली हम स्किन को करेंगे जी मॉइस्चराइज। आपके पास कोई सा भी लोशन वोशन पड़ा हुआ है, पकड़ें और उसको फेस पे अप्लाई कर दें। गर्मियां हैं तो क्वांटिटी आपने कम रखनी है मॉइस्चराइजर की। जैसे ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर है, आम आपको दुकानों से मिल जाता है। गर्मियां हैं तो भाई सनब्लॉक को मिस करने की तो तुक बनती ही नहीं है। सब कुछ मिस कर दो लेकिन सनब्लॉक को आपने मिस नहीं करवाना। मैं ये ओरिफ्लेम का सनब्लॉक यूज कर रही हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, SPF 50 है इसके अंदर। आपके पास कोई सा भी सनब्लॉक पड़ा हुआ है आप वो यूज कर सकते हैं। स्किन हमारी हो गई प्रेप, अब हम चलते हैं जी अपने मेकअप की तरफ। सबसे पहले आपने कोई सा भी इस तरह से प्राइमर यूज कर लेना है, ट्रांसपेरेंट प्राइमर जो आपके पोर्स को अच्छे से फिल कर दे। मैं यूज कर रही हूँ ये ग्लो ब्यूटी का प्राइमर, ये आपको आराम से उनके पेज से मिल जाता है, इंस्टाग्राम पे उनका पेज है, और इसकी आपने ज्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी। गर्मियों के अंदर प्राइमर की क्वांटिटी भी कम रखा करें। सिर्फ मैंने एक पंप लिया है इसका। आपने उन एरियाज पे अप्लाई कर देना है जहां पे आपको ज्यादा ऑयल आता है, जैसे मुझे टी जोन पे ऑयल आता है, तो मैं जरा नोज पे ये वाला जो एरिया है ना इस पे फोकस करूंगी और बाकी का जो बच जाएगा वो मैं पूरी स्किन पे अप्लाई कर दूंगी। इसको अप्लाई करें और अप्लाई करने के एटलीस्ट 2 मिनट तक आपने वेट करना है और फिर इसके ऊपर आपने कुछ लगाना है। उसके बाद बारी आती है जी अपनी बेस बनाने की। तो फाउंडेशंस आपने हाई कवरेज फाउंडेशन बिल्कुल भी यूज नहीं करनी गर्मियों के अंदर, कोई सी भी आप बीबी क्रीम ले सकते हैं। मैं ये सैफायर की यूज कर रही हूँ, शेड है जी मीडियम। मेरी स्किन टोन के लिए ये परफेक्ट शेड है, आइवरी बहुत ज्यादा चिट्टा हो जाता है। अगर आपने ये यूज करनी है, इसके साथ आप कंसीलर यूज कर सकते हैं, कंसीलर को स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग है, आप कोई भी फाउंडेशन या बेस पे कुछ नहीं लगाना चाह रहे, तो आप इसको गोली मारें और सिर्फ आप कंसीलर के साथ अपना काम चलाएं। जो डार्क स्पॉट्स हैं आपके, अगर ये वाला एरिया थोड़ा सा डार्क है या अंडर आईज थोड़ी सी डार्क है, तो इसके साथ वो आराम से कंसील हो जाएंगी एवरीडे के लिए, ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको थोड़ा सा ओवर द बोर्ड जाना है, अगर आपकी कोई मीटिंग है ऑफिस के अंदर और आप बेस पे भी कुछ लगाना चाह रहे हैं, तो फाउंडेशन को गोली मारें। इस तरह से कोई भी बीबी क्रीम ले लें, आपने सैफायर की नहीं लेनी, आप गार्नियर की ले सकते हैं, पॉन्ड्स की ले सकते हैं, काफी सारे ब्रांड्स की आती है। SPF 15 है इस वाली बीबी क्रीम के अंदर, इसकी बहुत ही लाइट सी कवरेज है और इसको मैं ब्लेंडर के साथ ब्लेंड नहीं करती, बीबी क्रीम है तो ये आराम से आपके हाथों के साथ ना बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ जी मिस्ट्रोस का ये कंसीलर,
शेड है इसका बेज वन। मिस रोज के कंसीलर्स अफोर्डेबल हैं, क्रीमी हैं, इजीली ब्लेंडेबल हैं। इसको मैं इनर आई पे अप्लाई करूंगी थोड़ा सा, और आंखों को इस तरह से लिफ्ट अप करने के लिए यूज करूंगी, क्योंकि गर्मियों में जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना तो आंखें हमारी फूली हुई होती हैं। मेरे साथ तो ऐसा होता है, गर्मियों में मेरी आंखें सुबह सुबह अजीब सी स्वेल हुई होती हैं। तो ये इस तरह से जब आप कंसीलर अप्लाई करेंगे ना ऊपर की तरफ, तो आपकी आंखें खुली खुली लगेंगी और आप ना जरा जागे जागे लगेंगे। जो भी आपके डार्क एरियाज हैं उनको थोड़ा सा कवर कर देंगे इसके साथ। अगर आपका फाउंडेशन शेड आपकी स्किन के साथ अच्छे से मैच है ना, तो गर्दन पे अगर आप थोड़ी बहुत भी लगा लेते हैं ना तो आपका काम चल जाता है। फाउंडेशन हमारी बेस हो गई है जी डन, और उसके बाद अब हम अपने फेस को करेंगे हल्का सा कॉन्टोर। बिल्कुल फेस चिट्टा लग रहा है तो हमने कॉन्टोरिंग कर लेनी है। मैं यूज कर रही हूँ ये मेकअप रेवोल्यूशन की ये स्टिक है, शेड है इसका F15। ये इनकी फाउंडेशन स्टिक है, लेकिन ये वाला आप शेड देखें काफी डार्क सा शेड है, तो इसको आप इजीली कॉन्टोरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हल्का सा हम अपने फेस को कॉन्टोर करेंगे, बहुत ही ज्यादा ना हमने प्रोडक्ट अप्लाई नहीं करनी। अभी आप देखिएगा हल्का सा यहाँ पे, लाइट सा यहाँ पे, लाइट सा यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मैं बिल्कुल इसको ड्रैग नहीं कर रही ताकि ज्यादा प्रोडक्ट ना लगे, और यहाँ पे लाइट सा, यहाँ पे लाइट सा, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। ब्लेंडर के साथ हम इसको ऊपर की तरफ को ब्लेंड करना स्टार्ट कर देंगे। अभी आप देखिएगा फेस में मेरे कितनी अच्छी सी डेप्थ आ जाएगी, बिल्कुल चिट्टा चिट्टा सा मुंह नहीं लगेगा मेरा। उसके बाद आपने यूज करना है कोई सा भी क्रीम, ब्लश ऑन क्रीम प्रोडक्ट्स ज्यादा यूज किया करें। स्वेट प्रूफ अगर आपने मेकअप बनाना है, लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, तो उसके अंदर आप मैक्सिमम अगर क्रीम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो उसकी वजह से आपके जो फाउंडेशन है या उसके ऊपर आपने कॉन्टोर या आपने ब्लश ऑन लगाया होता है तो वो हिलता नहीं है। इसलिए आप क्रीम प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें गर्मियों के अंदर। ज्यादा आपने पाउडर फॉर्म में प्रोडक्ट्स की लेयर लगा देनी है तो वो बिल्कुल अजीब सा हल्का सा पसीना आना और पाउडर आपका जगह जगह से ऐसे क्रैक हो जाना है और वो दिखने लग जाना है। इसलिए क्रीम प्रोडक्ट्स ज्यादा सही रहती हैं गर्मियों के अंदर। ये मेबिलीन का है जी चीक हीट। इसके मेरे पास चारों शेड्स पड़े हुए हैं। लेट मी नो अगर आप लोगों को इसका रिव्यू चाहिए। ये आजकल बड़े आप लोगों को इंस्टाग्राम पे हर जगह नजर आते हैं, तो ये चारों मैंने मंगवाए थे। वैसे मैंने मंगवाए इसीलिए थे कि आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूंगी। तो प्रॉपर अगर आपको शेड्स इसके देखते हैं प्राइस वगैरह तो मुझे बता दीजिएगा, इसका भी रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इसको आपने लेना है कोई सा भी ब्लश ऑन ले लें, क्रीम ब्लश ऑन, और आपने यहां पे डॉट कर देना है। ब्लेंड करते करते ये खुद ही यहां तक आ जाता है, तो आपने एप्लीकेशन इसकी करनी है यहां पे नोज पे। हमने अपने फेस पे बहुत सारी क्रीम प्रोडक्ट्स लगा ली हैं, तो अब बारी आती है इनको सेट करने की। इस तरह से आपके पास अगर कोई स्पंज पड़ा हुआ है आप वो यूज कर लें, ये आपके पास नहीं है कोई मसला नहीं है, आप नॉर्मल वाला ब्लेंडर यूज कर सकते हैं, और कोई सा भी आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर होना चाहिए। ये ग्लैमरस फेस का SPF 50 है, शेड है मेरा 04। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं मैक्सिमम वही वाली प्रोडक्ट्स यूज करूँ जो आपको आराम से मिल जाए, तो ये ग्लैमरस फेस का पाउडर आपको आराम से सस्ता सा मिल जाता है। इसको आपने ऐसे ऐसे करके अपनी स्किन के अंदर लॉक करना है, प्रेस करना है। अगर आप ब्रश के साथ अप्लाई करते हैं ना तो ऊपर ऊपर रह जाता है और फिर आपका जो मेकअप है वो लॉक नहीं होता, और उसकी वजह से आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। तो आपने इस तरह से लेना है इसको, इस पे ले लें, या फिर सिंपली क्या करें ब्लेंडर पकड़े, इस पे लें और ऐसे ऐसे करके ब्लेंडर के साथ प्रेस कर दें अपनी स्किन के अंदर। मेबिलीन का ब्लश ऑन यूज कर रही हूँ, ये वाला फिट मी ब्लश ऑन है, शेड है इसका वाइन। इसमें से थोड़ा सा लूंगी और यहां पे अप्लाई कर दूंगी। एक लेयर से ज्यादा हमने अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ हम अपने क्रीम प्रोडक्ट को सेट कर रहे हैं, क्रीम ब्लश ऑन को पाउडर ब्लश ऑन के साथ।
मैं सिर्फ ये है जी O2O का स्टाइलिंग सोप ब्राउ, अगर आपके पास ये नहीं है पियर सोप लें ट्रांसपेरेंट वाला, उससे भी आप सेम इसी तरह से अपनी आईब्रोज को सेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। इस तरह से प्रोडक्ट लिया थोड़ा सा स्पूली पे और अपनी आईब्रोज को आपने ऊपर की तरफ को ब्रश करना शुरू कर देना है, ठीक है। अब आप इस आईब्रो में और इस आईब्रो में डिफरेंस देखें कि ये आईब्रो मेरी कितनी लिफ्ट अप लग रही है और ये कैसे ड्रॉप हुई हुई लग रही है, ड्रॉपी सी, सही है। जिस प्रोडक्ट से आपने फेस की कॉन्टोरिंग की है उसी के साथ आपने अपनी आईज को थोड़ा सा डिफाइन कर लेना है। मैं यहाँ पे हल्का सा ब्राउन शेड लगा के उसको बाहर की तरफ को ब्लेंड कर रही हूं ताकि मेरी आईज के अंदर अच्छी सी डेप्थ आ जाए। कोई आपने आई शेडो पैलेट नहीं लेना, जरूरत नहीं है आपको, कोई भी ब्राउन शेड ले लें और उससे आप अपनी क्रीज को डिफाइन कर सकते हैं। फिर आप कोई सी भी व्हाइट पेंसिल यूज कर लें अपनी, ये मुझसे खुल नहीं रही, अपनी वाटर लाइन में। ये है जी निक्स की जंबो पेंसिल। व्हाइट पेंसिल का ये फायदा है कि फौरन से ये आपकी आंखों को ना खोल देता है, फ्रेश फ्रेश दिखाता है ये आपकी आंखों को, खुला खुला सा दिखाता है। तो आप वाटर लाइन में ये अप्लाई करें, ऑप्शनल है, अगर आपने अप्लाई करनी है आप कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपने कोई सा भी वाटर प्रूफ मस्कारा अप्लाई कर देना है। मैं ये यूज कर रही हूँ रिवाज का, आप कोई सा भी ले सकते हैं वाटर प्रूफ मस्कारा, की बहुत वैरायटी आपको मार्केट में मिल जाती है, ऑनलाइन मिल जाती है। वाटर प्रूफ मस्कारा मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपका जो मस्कारा है ना वो ज्यादा टाइम तक टिका रहे। पहले आप बाहे वाली लैशेस को ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे और फिर आप मस्कारा अप्लाई करेंगे ना तो आपको डिफरेंस फील होगा। ये भी एक छोटी सी टिप है, मैंने हैक देखा था और ये हैक वाकई में यार इतना जबरदस्त काम करता है। थोड़ा सा नीचे अप्लाई कर लूंगी, नीचे आपने ज्यादा अप्लाई नहीं करना, अदरवाइज वो फिर ना यहाँ यहाँ लगना शुरू हो जाता है गर्मियों के अंदर स्पेशली। आप ना कोई सा भी लिक्विड हाईलाइटर यूज कर सकते हैं, ये भी रिवाज का लिक्विड हाईलाइटर है। इसको आपने क्या करना है, ऐसे लेना है और आपने इस हाईलाइटर को थोड़ा सा अपने हाथ पे निकाल लेना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ले लिया है, डायरेक्ट आपने ड्रॉपर के साथ यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, वो फिर अजीब सा ना स्टेन सा छोड़ जाता है, जैसे ब्रश ऑन का स्टेन होता है ना उसी तरह आपका हाईलाइटर भी स्टेन कर जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। आपने कोई सा भी ब्लेंडर लिया, थोड़ी सी प्रोडक्ट ली इस पे और इसी के साथ अब आप हाईलाइटर दिखेगा मैं अप्लाई करूंगी और साथ साथ ही ब्लेंड कर दूंगी, इतना अच्छा और सटल सा लगेगा ना, चेक करें, ऐसे अप्लाई करें और ब्लेंड कर दें। हाईलाइटर की क्वांटिटी भी ना कम रखनी है, ज्यादा चमकारे मारता हुआ फेस ऐसा लगता है गर्मियों में जैसे आपका फेस ऑयली सा हो गया है, तो हाईलाइटर आप देख सकते हैं मैंने इतना ज्यादा भर भर के हाईलाइटर नहीं लगाया, बिल्कुल हल्का सा हाईलाइटर को मैंने रखा है, बस दैट्स इट। ये इतना सा हाईलाइटर आपने लगाना है, इतनी सी चमकार होनी चाहिए आपके हाईलाइटर की। लास्टली आपने कोई सा भी मैट सेटिंग स्प्रे लेना है, ये आपके फेस पे जितना भी ऑयल होगा उसको फौरन से एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि मेकअप करते हुए भी ना थोड़ा थोड़ा सा ऑयल आ जाता है, आपकी फाउंडेशन थोड़ी सी ऑयली से लगने लग जाती है या फिर पूरे दिन में आपकी फाउंडेशन थोड़े टाइम के बाद ऑयली हो जाती है। तो मैं यूज कर रही हूँ ये प्राइम्ड एंड रेडी का मैट मेकअप फिक्सिंग स्प्रे। ये बिल्कुल आपका ग्लो खत्म नहीं करता, हल्का सा ना जो ऑयल होता है आपके फेस पे उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी जो फाउंडेशन है ना इससे बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। अगर आपने ये वाला नहीं लेना, आप रिवाज का ले सकते हैं, आप ग्लैमरस फेस का ले सकते हैं, ये वाले ब्रांड्स आम ही अवेलेबल हैं, आम मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है जी। आपने ब्लेंडर लिया, उस पर आपने थोड़ा सा स्प्रे किया और फिर ब्लेंडर के साथ आपने इस तरह प्रेस कर देना है सेटिंग स्प्रे को, इससे आपका मेकअप बिल्कुल लॉक हो जाएगा, मतलब पूरा दिन आपका मेकअप हिलना नहीं है। ये वाली यूज कर रही हूँ, ये है जी निक्स की सॉफ्ट मैट लिप क्रीम और शेड है इसका SMLC 19 कैंस। बहुत ही प्यारा शेड है, अगर आपने एवरीडे यूज के लिए लेना है तो इसका पूरे लिप्स पे अप्लाई कर दूंगी। आप इस तरह से भी बस यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी ना रेड लिपस्टिक लूंगी फिंगर पे लेने के बाद, ये जो इनर वाली साइड है ना, इनर लिप है मेरा,
यहाँ मैं अप्लाई कर दूंगी। इसके बाद आपने ब्लेंडिंग नहीं करनी। हमारी हो गई जी लुक कंप्लीट। ठीक है, लुक हमारी कंप्लीट हो गई। मैं थोड़ा सा ना बाल छाल बना के अब आपको दिखाती हूँ। तो बस ये यहाँ पे हमारी वीडियो होती है खत्म। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू गाइज सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें।